Hey guys, this is Jay and you are watching my channel Jatek. Guys, please subscribe my channel and hit the bell icon for the latest update. Guys, आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट अपडेट अभी सर्कुलर जो UPSEE की साइट पे UPSEE वाले ने डाला है वो उसका डिटेल में बताऊंगा क्या है वो सर्कुलर, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने अभी तक यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे जितने भी सर्कुलर रिलेटेड हैं या कॉलेज रिलेटेड जो उनके न्यूज़ हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ एक दिनों में, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए यार सर्कुलर दिखाते हैं, सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है वो भी आप देखिए, ठीक है ना। जैसे ही फ्रेंड्स आप UPSEE की साइट पे आते हैं, आपको ये नीचे सबसे नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे में ये सर्कुलर आया। ये सर्कुलर रिलेटेड है उनके स्टूडेंट के लिए जिन्होंने काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 20,000 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया था। तो UPSEE का जो काउंसलिंग शेड्यूल था उसमें मेंशन था कि अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर कोई आपको सीट अलॉट होती है और आपने 20,000 पे नहीं किए तो आप ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और बिल्कुल वो बाहर कर भी दिए गए थे, वो जब लॉग इन कर रहे थे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में तो उन पर लिखा रहता है विंडोज पे लिखा रहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो बिल्कुल आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके रिगार्ड, ठीक है ना, कन्फर्मेशन शुल्क ऑनलाइन नहीं जमा कर पाए उन सभी अभ्यर्थियों को अगले चरण में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक डाउट्स थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ उसको। यार काउंसलिंग में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑल दो आपको क्या करना है कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसको अगर चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब जो आपको प्रीवियस कॉलेज अलॉट हुआ था वो आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यार देखो बहुत सारे लोगों को डाउट है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो थोड़ा एक सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं। मान के चलिए कि कोई आपको ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया जो आप नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, तो बाकी जो जितने रिमेनिंग कॉलेज हैं उनको सिलेक्ट करके मल्टीपल डिलीट कर दें और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे तो उसको आप नीचे ले आएँ, स्वाइप करके नीचे ले आएँ, उसके ऊपर जितने भी टॉप की कॉलेज हैं टॉप की प्रेफरेंस उसे ऐड कर दें। बिल्कुल जब प्रायोरिटी सेलेक्ट और एल्गोरिथम काम करेगा तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड